अल्लाह स्टूडेंट्स मैं वी आलता होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुकी हूँ पास्ट का प्रेजेंट के की सारे पढ़ा चुकी हूँ और पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया था मैंने आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेकर आई हूँ ठीक है ये बहुत ईजी है जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था उसी तरह आइए तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बस कॉपी और पेंसिल अपने सामने रखिए और जो जो मैं कहती रहा उसको लिखते रहें नोट करते रहें ताकि अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं और आगे कभी भी आपको यूज़ करने की जरूरत पड़े तो आप जल्दी जल्दी बस फॉर्मूला अप्लाई करें

ठीक है और इसका फॉर्मूला है वहां प्रेजेंट परफेक्ट पर हम होगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जेरेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी ये याद ही आप लोगों को ठीक है उसके बाद हम इसमें एडिशनल क्या यूज करते हैं जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज किया था सिंस फॉर वहां मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मजीद आज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने सिंस और फॉर ये कैसे यूज होता है कहाँ कहाँ यूज होता है कब कब यूज होता है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ठीक है तो पहले ये समझ लें कि इसमें एडिशनल ये होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है और ये है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन में जेरेंट फॉर्म ठीक है तो अब मैं सेंटेंस में की तरफ जाती हूँ ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि हैड नॉट बीन होता है पहले भी बता चुकी हूँ अब दोबारा बता रही हूँ हैड नॉट बीन और अगर ऐसे होगा तो है इस तरह ही यूज करेंगे हम ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अब मैं सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ तो एक और चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आई एम चालिंग यू अगेन हम प्रेजेंट पास कंटीन्यूस हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया उसमें सेंटेंस जो बनते हैं हम हाँ, उसमें टाइम लाजमी मेंशन करते हैं लाजमी अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस पे जाऊं, तो आइडेंटिफिकेशन तो यही होती है ऐसी ही होती है पर उसमें टाइम मेंशन नहीं होता टाइम क्या मैं सुबह से दो दिन से एक साल से दो साल से चार दिन से वैनस्डे से 2016 से इस तरह की चीज़ें नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस में नहीं होती पर प्रेजेंट में लाजमी होती है इसीलिए यही डिफरेंस है यही डिफरेंस है दोनों में ठीक है जो मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूं पहला सेंटेंस में। मैं दो साल से यहां पढ़ा रही थी मैं दो साल से यहां पढ़ा रही थी अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूं आई हैड बीन टीचिंग ओवर हेयर या हेयर जो यूज करना चाहें आप आई हेड बीन टीचिंग हेयर दो साल से दो साल से अब टाइम आ गया है ये यूज करने का since या for? पहले बता चुकी हूं आई एम टिंग यू अगेन के सिंस कहा यूज होता है फॉर कहां यूज होता है जब भी किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे सामने होगा तो वहां पर हम सेंस यूज करेंगे टू थाउजेंड सिक्सटीन वनडे ठीक है और कोई भी ईयर का नाम किसी भी दिन का जो भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो कि ये टाइम वहां से शुरू हुआ है ठीक है और फॉर कहां है जहां हमें ड्यूरेशन पता कितना टाइम लगा है हमें ये नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमें नहीं पता पर हमें ये पता है कि इतना अरसा गुजरा है यहां पर जैसे दो साल मुझे नहीं पता दो साल कौन से ठीक है दो साल मुझे नहीं पता अगर यहाँ पे मैं 2016 लिख रही थी तो वहां पे सिंस आ जाता पर यहाँ पे दो साल है तो यहाँ फॉर आएगा ठीक है फॉर टू ईयर्स आई हैड बीन टीचिंग ओवर हेयर या हेयर फॉर टू ईयर्स ठीक है अब अगर मैं सिंस का बनाना चाहूं तो मैं इसकी जगह अगर मैं 2016 लिख देती हूँ इनकेस अगर मैं यहाँ पर 2016 लिख दूं दो साल की जगह मैं मैं 2016 लिख तब मैं यहाँ सिंस यूज़ करना शुरू कर दूंगी क्योंकि अब मुझे मुझे इसका पता पता चल गया है जब मैंने दो साल लिखा हुआ था मुझे स्टार्टिंग नहीं पता था तब उसका नहीं कि कहां से स्टार्ट हो तो लिख दू तो मैं फिर यूज करूंगी आई मैं लिख रही हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस तरह या फॉर यूज करना है अब मैं इसका नेगेटिव भी बना देती हूँ चौकेटिव भी ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो मैं इसके नेगेटिव में क्या बनाना चाहूंगी थी। मैं दो साल से यहां काम नहीं कर रही हूं ठीक है आई हैड नॉट बीन वर्किंग वहां पर टीचिंग था तो टीचिंग कर दिया यहाँ वर्किंग है तो वर्किंग कर दिया काम का आई है दो साल है मुझे नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसलिए मैंने फॉर यूज कर दिया अगर मैं यहाँ पर लिख देती ट्वेंटी ट्वेंटी तो मुझे पता होता ट्वेंटी एटीन मुझे पता होता ठीक है अब है इंट्रोगेटिव थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है ठीक है hmm. अली तीन घंटे से यहाँ सो रहा है मुझे ये नहीं पता तीन घंटे कौन से क्या आपको पता है नहीं पता हमें नहीं पता इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे फॉर अगर मैं यहां लिखू वो दस बजे से सो रहा है तो मुझे पता है कि या वो सुबह से सो रहा है तो मुझे पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ठीक है तीन घंटे मुझे नहीं पता कौन से हैं तो फिर ऐसे लिख देस अली है फॉर थ्री ठीक है तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इसके आइडेंटिफिकेशन पास्ट कंटिन्यूअस से मैच करती है पर यहाँ पे डिफरेंस होता है कि इसके सेंटेंस में टाइम जरूर होता है जरूर हम उसमें मैंशन करेंगे कितना टाइम कितने साल या कितने दिन ठीक है तो आ, इस तरह मैंने यूज करना सिखाया सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया कि इसमें यूज कहाँ करना है सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में करते यूज करते हैं और ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज करते हैं होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा इसके मजीद सेंटेंस बनाया और उसको खुद ही उस पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको टें टू फिफ्टीन अगर आप एक दिन में बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा और फिर फ्लुंट बोलने में आसानी हो जाएगी कि हम तेज़ी से बोल सकेंगे हमारे फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होंगे हम प्रैक्टिस में होंगे तो हम आसानी से इजिली बहुत जल्दी बोल सकते हैं जजाक अला थैंक यू सो मच इनशाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया और अच्छा लेकर हूँ